तो गाइस अगर आप भी धन ऐप का यूज करते हो लेकिन जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपसे हमेशा यहाँ पर जो है लॉगिन के लिए पासवर्ड मांगा जाता है और साथ में यहाँ पर जो ओटीपी मांगा जाता है। या तो आप जब भी मतलब ऑन क्लोज करोगे, मतलब अगर आपने पासवर्ड डाल भी दिया और अगर आप यहाँ पर जो है क्लोज कर दे तो इसे तो डबल से आपसे जो पासवर्ड मांग लिया जाएगा। या दोस्तों आपसे डबल मतलब पासवर्ड मांग लिया जाएगा और यहाँ पर साथ ही में ओटीपी भी मांगेगा। या दोस्तों आपने जिस नंबर से इसमें लॉगिन किया था उस नंबर का आपको ओटीपी भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसमें ओटीपी आएगा। तो यार ये प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी धन ऐप में देखने मिलती है। तो आप जो कैसे इसको सोल्व कर सकते हो आज वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल इसकी मत करना। चैनल पर तो चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। तो यार ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन है मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यार मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप जैसे इसे क्लोज करोगे तो आपके फिर से जो यहाँ पर ओटीपी पासवर्ड मांग लेगा। या दोस्तों यहाँ पर आप जैसे फिर से आप इसे ओपन करोगे, आप बैक करने के बाद क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करोगे तो आपको फिर से यहाँ पर जो है पासवर्ड देना पड़ेंगे पहले की तरह और फिर से आपको ओटीपी भी यहाँ पर जो है फिर से देना होगा। तो यार आप कैसे सोल्व कर सकते इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एक बार इसमें लॉग इन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊँ जिसमें क्या होगा कि आप जो है बिना ओटीपी और मतलब बिकॉज भी ओटीपी ओटीपी यहाँ पर से नहीं मांगेगा और आप डायरेक्ट जो है इसमें लॉग इन कर पाओगे। तो यार सबसे पहले तो आपको जो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना है और आप यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो प्रोफाइल पर प्रोफाइल सेक्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा सबसे नीचे वाला जो सेटिंग का आइकन देखने मिलता है आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना, आपको जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने मिलता है बायोमेट्रिक लॉगिन। या दोस्तों यहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक लॉगिन आपका जो ऑफ रहेगा, ये हमेशा जब भी आप अकाउंट खोलते हो यहाँ पर आपको ऑफ ही रहेगा, तो आपको इसे जो है ऑन कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों आपको जो इसे मतलब यहाँ से ऑन कर लेना है और यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन दबा देना है और यहाँ पर आपको जो है आपका आपके सामने अगर आपने अपने फोन में ऑलरेडी कोई पिन मतलब ये फिंगरप्रिंट डाला हुआ है फिंगरप्रिंट, तो अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो इसका सोल्यूशन तो मिल नहीं सकता। और अगर आपके पास आईफोन रहते हैं यहाँ पर आपकी फेस आईडी मांग ली जाएगी और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट यानी एंड्रॉइड फोन है यहाँ पर आपसे फिंगरप्रिंट मांग लिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको फिंगरप्रिंट दे देना है जैसे कि मैं दे रहा हूँ, इस प्रकार से आपको फिंगरप्रिंट दे देना है। फिर आप यहाँ पर जैसे आपका जो मतलब फिंगरप्रिंट यहाँ पर ले लेगा उसके बाद आपको फिर से बैक करना है। और अगर हम एक बार और धन को ओपन करते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे जो है फिंगरप्रिंट लॉगिन मांगेगा। या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही हो गया है। ये क्या होता है, यह आपकी जो फेस आईडी भी कैप्चर कर लेता है। जैसे अगर आपके इसमें फेस आईडी अपने एंड्रॉइड फोन में लगाई हुई तो आपकी फेस आईडी भी कैप्चर कर लेगा और अगर आपने जो मोबाइल में फेस आईडी नहीं डाली तो आपसे जो फिंगरप्रिंट मांग लिया जाएगा तो आप जो फिंगरप्रिंट मतलब के लिए उंगली डाल के तो आप जो मतलब फिंगरप्रिंट पर उंगली लगा के जो इसे ओपन कर सकते हैं। तो यार हाई ऑफर आपको पसंद की पसंद तो वीडियो लाके चलो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारे लिए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंदी भारत।